बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास, ओपन योर मैथ्स नोटबुक। वी आर डूइंग एक्सरसाइज नंबर 7। इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव बीन कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। टुडे वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाई 40, 50 एंड 60 लीव्स आर रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। आपने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 4 डिजिट का हो, और जब उसको डिवाइड किया जाए 40, 50 और 60 के साथ, तो हमेशा रिमाइंडर तीनों केसेस में क्या आएगा? 5। तो लेट्स स्टार्ट। पहले 40, 50 और 60 का एलसीएम लेंगे। 2 2s are 4, 0 as it is, 2 2s are 4, 1 carry, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 0 as it is, 2 10s are 20, 2 25 as it is, 2 1s are 2, 1 carry, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 25 as it is, 15 as it is, 3 5 as it is, 25 as it is, 3 5s are 15, अगेन 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 1s are 1, 5 1s are 5, 5 1 as it is। अब आपने सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएगा 600। नाउ दी लीस्ट, या भी आपका एलसीएम आया, आपने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। नाउ दी लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज़ इक्वल टू 1000। हम स्मॉलेस्ट फाइंड करना था, तो पहले हमने खुद से अज्यूम किया कि 4 डिजिट लीस्ट नंबर जो है वो 1000 है। सो लेट अस डिवाइड 1000 बाय एलसीएम। जो 1000 है उसको एलसीएम जो है उसके साथ डिवाइड करेंगे, 600 बाहर 1000 अंदर, 600 वन 600, और नीचे क्या आ गया? रिमाइंडर 400। नेक्स्ट, द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 40, 50 एंड 60 इज़ इक्वल टू, अब 1000 माइनस 40, ये रिमाइंडर 400, 1000 जो है वो डिविडेंड था और 400 रिमाइंडर आया, तो उससे माइनस करके प्लस डिवाइजर करना है, डिवाइजर जो 600 था, तो इसको माइनस करके आ रहा है 600, और बाहर क्या है? ऑलरेडी 600, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1200। अब ये आया रिमाइंडर जबकि क्या आया? 5। दस दी रिक्वायर्ड नंबर इज़ 1200 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 1205। तो ये देखें 4 डिजिट नंबर है ये, 1 2 3 4। और मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, जब डिफरेंट नंबर्स का एक ही रिमाइंडर हो, सेम रिमाइंडर हो, तो उसको एंड पे प्लस करते हैं। नेक्स्ट सी दी क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड दी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच वैन डिवाइडेड बाई 25, 30 एंड 40। जब 5 ग्रेटेस्ट नंबर आपने फाइंड करना है 5 डिजिट का, जो उसको 25, 30 और 40 पर डिवाइड करें, लीव्स आर रिमाइंडर ऑफ 20, 25 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। तो तीनों का डिफरेंट रिमाइंडर आएगा। 25 का क्या आ रहा है? 20। 30 का आ रहा है 25, 40 का आ रहा है 35। तो आपने पहले इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करना है, मतलब एलसीएम फाइंड करना है इनका, 25, 30 और 40। 2 से स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे, 25 as it is, 2 1s are 2, 1 carry चला गया 0 के पास, 2 5s are 10, कॉमा 2 2s are 4 एंड 0 as it is, 25 as it is, 15 as it is, 2 10s are 20, 2 25 as it is, 15 as it is, 2 5s are 10। अब 3 से 25 as it is, 3 5s are 15, 5 as it is और 5 7s, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 1s are 5। अब एलसीएम में क्या है? आपने सारे फैक्टर्स को लिख के उनको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या आ रहा है? 600। अगेन इसका एलसीएम आ रहा है 600। अब फिर से आप जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने किया, खुद से पहले लिखा कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या था, इधर आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ इक्वल टू 99,999। तो ये 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स एंड 99 5 टाइम लिखा आपने। सो लेट अस डिवाइड 5 डिजिट नंबर बाय एलसीएम, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, जो नंबर आपने लिखा ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट, तो उसको आपने एलसीएम से डिवाइड करना है। आप इसको आप डिवाइड करेंगे 600 जो कि एलसीएम है, तो उससे बाहर रखेंगे उसे डिवाइजर के तौर पे, 600 वन 600, माइनस करने से आ जाएगा 9 as it is, 9 में से 6 माइनस करें तो 3, और पीछे 2 9s हैं तो 1 9 को नीचे उतार लेंगे। अगेन 600 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3600, ऊपर क्या है 3999, तो इसको माइनस करने से ये 9 दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये इस तरह डिवीजन करने के बाद, या आगे मज़ीद इसी तरह बढ़ता जाएगा, तो आपने यहीं पे से स्टॉप कर देना।
99,999 को माइनस करेंगे रिमाइंडर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, माइनस करने से आ जाएगा 99,600। एज रिमाइंडर आर 20, 25 एंड 35 रिस्पेक्टिवली, तो ये तीन रिमाइंडर्स तीनों के नंबर्स के आ रहे थे, तो उनको बारी बारी आप माइनस करेंगे। जैसे 25 का रिमाइंडर 20 था, तो उन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 30 का 25 था, उसका भी 5 आएगा, इसको माइनस करके भी 5, तीनों का रिमाइंडर सेम ही आ रहा है। 10 द रिक्वायर्ड नंबर, लेकिन लिखा उन्होंने अलग अलग है, तो आपने वैसे माइनस किया तो 5 आ रहा है, तो अब आपने इसको माइनस कर देना है इसमें से, जो डिवीजन करके आपका आंसर आया उसमें से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 99,595। तो आज ये दो क्वेश्चंस इनफ हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो इसे आपने अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करें, जो चीज़ समझ नहीं आती पूछ लें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।